हे हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे। अगर आपके मुंह के अंदर ऐसे वाइट पैचेस हैं तो इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिल सकती। आज के इस वीडियो में मैं एक रियल पेशेंट का केस बता रही हूँ आपके साथ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, डेंटल एम्पायर। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इस वीडियो में पेशेंट की उम्र है 43 ईयर्स ओल्ड। ए 43 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद वाइट पैचेस फॉर 2 मंथ्स। उससे पिछले 2 महीने से वाइट पैचेस थे उसके मुंह के अंदर। तो इसका हम डायग्नोसिस बना सकते हैं ल्यूकोप्लाकिया। ल्यूकोप्लाकिया का मतलब क्या है? ल्यूको का मतलब होता है वाइट। तो वाइट पैचेस हमारी ओरल कैविटी में हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लाकिया। पर ल्यूकोप्लाकिया और OSMF, हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ल्यूकोप्लाकिया में पैचेस मिलेंगे ओरल कैविटी के अंदर, पर अगर हम OSMF की बात करें, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है और हमारा मुंह खोलने में परेशानी आती है। सबसे पहले एक मैं बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं कि ये कैंसर नहीं है। आप इसको कैंसर नहीं कह सकते, पर हाँ, अगर ये काफ़ी लंबे समय तक आपने इसका इलाज नहीं कराया तभी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे ल्यूकोप्लाकिया की सम फीचर्स हैं जिन्हें देख के आप ये लगा सकते हो कि ये ल्यूकोप्लाकिया है या नहीं। सबसे पहली बात, फाउंड इन पैचेस। मैंने आपको इस फोटो में दिखाया कि ये पैचेस में दिखता है ज़्यादातर। जो पेशेंट तंबाकू खाते हैं उनकी उसी जगह पे जनरली ल्यूकोप्लाकिया होता है। स्मोकिंग के केस में लिप्स पे और एल्कोहल में बक्कल म्यूकोजा पे, यानी कि चीक के अंदर की म्यूकोजा पे देखा जा सकता है। ल्यूकोप्लाकिया के केस में आपके मुंह खोलने में तकलीफ नहीं होती है। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की है, जब भी आप अपनी उंगली से अपने मुंह के अंदर जो म्यूकोजा है उसको टच करके देखोगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। पर वाइट लीजन्स पे, जिन्हें हमने बोला है ल्यूकोप्लाकिया, वो रफ लीजन होंगे और शुरुआत में वो पेनलेस होते हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। पर अगर कुछ टाइम तक हम ज़्यादा सीरियस ना लें, इसका ट्रीटमेंट ना कराएं, तो इसकी बर्निंग सेंसेशंस और थोड़ा थोड़ा पेन इन्फ्लामेशन हमें होता रहता है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास मेन प्रॉब्लम लेके जाते हैं। इनिशियली सबसे शुरुआत में वाइट लीजन होते हैं ये। अगर कुछ टाइम तक हम सीरियस ना लें, ट्रीटमेंट ना कराएं, तो ये रेड कलर के हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इराइथ्रोप्लाकिया। इराइथ्रो का मतलब रेड। और अब यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो कैंसर कौन सा होगा? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये आपको जानना चाहिए ताकि आप अपनी इस बीमारी को और गंभीरता से लें और सीरियस तरीके से लें और डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट कराएं। और सबसे बड़ी बात, अपनी ओरल कैविटी का, अपने मुँह की साफ सफाई अच्छे तरीके से रखें। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सभी को बिल्कुल पता होगा, स्टॉप दीज हैबिट्स। जो भी टोबैको च्यूइंग या फिर स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, ये तीनों जितनी जल्दी से जल्दी आप छोड़ सकते हैं उनको छोड़ना है। प्लस ग्राइंड एनी शार्प टूथ। ल्यूकोप्लाकिया का एक और रीज़न हो सकता है कि कोई भी टूथ है वो कहीं से टूट गया और वहाँ से वो शार्प है, वो बार बार में टंग के लग के या फिर साइड की जो हमारी चीक की म्यूकोजा है उसके लग के उसको इरिटेट कर दे और वहाँ से हमारी म्यूकोजा वाइट कलर की हो जाए, उसे भी हम ल्यूकोप्लाकिया ही कहेंगे। तो इस केस में जो टूटा हुआ ब्रोकन टीथ है उसको हम ग्राइंड कराएंगे ताकि उसकी सरफेस शार्प ना हो करके थोड़ी सी राउंड ऑफ हो जाए और ताकि वो आगे हमारी म्यूकोजा को इरिटेट ना करे, जिसके वजह से हमारा ल्यूकोप्लाकिया अपने आप रिकवर हो जाए। तीसरी बात है, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए, हमेशा ब्रश करिए। कई लोगों का क्या होता है, रात को सोने से पहले वो ब्रश करेंगे, पर ब्रश करने के बाद वो जैसे मिल्क ले लेंगे या फिर बिस्किट्स वगैरह खा लेंगे, उसके बाद सोएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने ब्रश करने के बाद कुछ खा पी ही लिया तो ब्रश करने का फ़ायदा क्या है, तो रात को सोने से पहले ब्रश करने का मतलब है ब्रश करने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट्स और स्टीरोइड्स पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जो आपको खुद से ही करना है, दैट इज़ न्यूट्रिशियस डाइट। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है।
इसका लास्ट पॉइंट है, अगर आपको पैचेस से इरिटेशन हो रही है तो डॉक्टर आपकी बायोप्सी करेगा। इसका मतलब होता है सर्जरी करके उस पैच को हटा देना। उसके बाद उस टिश्यू को, पैचेस को, वो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में भेज देते हैं उसके स्टडी करने के लिए कि ये कार्सिनोमा यानी कि कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। ये प्रॉपरली डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। आपको डॉक्टर को जाके ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मुझे सर्जिकल एक्सीजन या बायोप्सी करानी है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको OSMF का पेशेंट का केस बताऊंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू एंड बी हैप्पी।